हाय एवरीवन सो फाइनली मॉनसून सीजन आ चुका है एंड समर सीजन से ज़्यादा इरिटेटिंग होता है मॉनसून सीजन बिकॉज मॉनसून सीजन इज ऑल अबाउट ह्यूमिडिटी स्टिकीनेस ग्रीसीनेस और मॉनसून सीजन जितना हमें अच्छा लगता है ना उतना ही हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमिडिटी की वजह से स्केल्फ ईची होने लगता है स्किन ऑयली हो जाती है तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी मानसून रिलेटेड टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है सो so, अभी आप देख ही रहे होगे कि मैं अपने हैंड्स वॉश कर हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून सीजन में एंड सबसे पहली टिप यही है मेरी कि जब भी आप बाहर से आओ अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करो स्पेशली सोप से वॉश करो क्योंकि जब भी, भी हम बाहर से आते हैं ना तो हमारे हैंड्स में बैक्टीरिया होते हैं और हम सिंपल पानी से वॉश कर लेते हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि आप अपने हैंड्स अच्छे से सोप से ही वॉश करो देन उसके बाद जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे फीट भी गंदे होते हैं एंड जब भी हम बाहर से आते हैं ना तो हम अपने फीट्स ऐसे ही पानी से वॉश कर लेते हैं मोस्ट ऑफ सब लोग यही करते हैं तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको अपने फीट को सोप से ही वॉश करना है क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करोगे तो उसमें बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन होने लगता है एंड इसकी वजह से आपको इंचीनेस एंड रेडनेस हो सकती है एंड ये बहुत टाइम तक रह जाती है सो मेक श्योर करें कि जब भी आप बाहर से आएँ तो अपने हैंड्स एंड लेग्स को सोप से ही वॉश करें मेरी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने नहाने वाले पानी में डिटॉल का यूज़ करें अगर आपके पास डिटॉल नहीं है तो आप डिटॉल का बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं या डिटॉल का सोप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बारिश में भीग गए हैं या आपने बारिश में नहाया है तो मेक श्योर sure करें कि आप बात याद से लें स्पेशली डिटॉल से लें बारिश का पानी हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ये हमारी स्किन में इन्फेक्शन पिम्पल क्रिएट करता है या एक्ने भी क्रिएट करता है सो मेक श्योर करें कि आप याद से हर एक दिन डिटॉल वाले पानी से ही बात लें अभी मॉनसून सीजन में हमारी स्किन काफ़ी स्टिकी एंड ऑयली हो जाती है एंड उसी की वजह से स्किन में पिंपल्स एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं सो मेक श्योर करें कि आप दिन में दो से तीन बार तो अपना फेस वॉश ज़रूर से यूज़ करें स्पेशली जब आप बाहर से आए हो या फिर भीग गए हो बारिश का पानी गिर गया हो आपके ऊपर तो आप तभी भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं अब मॉनसून सीजन है तो वो अपने साथ हेयर फॉल भी लेकर आता है तो इसके लिए आपको एक बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए जो हम सबके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और वो है फेन्योग्रिक सीड्स मतलब कि मेथी के दाने आपको क्या करना है डेली मॉर्निंग में मेथी के दाने या फिर मेथी दाने का जो पाउडर होता है वो कंज्यूम करना है लिकवम वाटर के साथ जो हमारा हेयर फॉल होता है ना तो उसको हमें रूट से कॉज करना है फिक्स करना है तो उसके लिए अगर आप मेथी के दाने अप्लीकेशन के बजाय अगर आप इसे सुबह सुबह ड्रे करोगे तो आपके ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा एंड को भी नरिश रखेगा तो अगर आप इसे डेली लोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका हेयरफॉल धीरे धीरे फिक्स हो रहा है मॉनसून सीजन का सबसे बड़ा मिथ यह होता है कि हमें मॉनसून में टैनिंग ही नहीं होती है बट द फैक्ट इज जो क्लाउडी स्काई होते हैं ना वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा आपकी स्किन को टैन कर लेता है तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको एक सिंपल डी रेडी कर लेना है इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर और थोड़ा सा रोज वाटर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें मिल्क एंड कर्ड भी यूज कर सकते हो इसके गुड रिजल्ट के लिए आपको इसे वीक में दो से तीन बार तो अप्लाई करना ही है इसको अपने फेस पे पूरा इवनली अप्लाई करो एंड अपने नेक में भी 15-20 मिनट तक पार्शल ड्राई होने दो एंड उसके बाद आप इसे वॉश ऑफ कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के ऑयलीनेस ग्रीसीनेस को कम कर देती है एंड स्किन को एकदम टाइट बना देती है और ऑरेंज पील पाउडर में स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है अब जैसा कि हम सबको पता है कि मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो स्किन को हैवी मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है तो ऐसे में आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो स्किन में जल्दी से एब्जॉर्व हो जाए जो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ कर दे जैसे कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ये ना आपकी स्किन को बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर देते हैं एंड स्किन में हैवी भी फील नहीं होने देते हैं किन के साथ साथ पानी पीने का भी ध्यान रखना चाहिए मानसून सीजन में हम सबको अधिकतर प्यास बहुत कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमारी बॉडी को पानी की नीड उतनी ही होती है सो मेक श्योर करें कि आप डेली सेवन टू एट लीटर तो पानी ज़रूर पिए और वो भी बैठ कर मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आप इस सीज़न में मेकअप को अवॉइड करो क्योंकि मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जिससे स्वेटिंग बहुत आता है और ऐसे में हम हैवी फाउंडेशन और कंसीलर्स यूज़ करेंगे तो वो केकी दिखने लगता है फेस में एकदम वैसे तो हम वाटरप्रूफ मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मानसून में हमारी स्किन इतनी केकी एंड ऑयली हो जाती है ना कि वो भी नहीं अच्छा लगता तो ऐसे में आप मेकअप जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना कम यूज़ करो वैसे थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लो एंड काजल या फिर लाइनर जो भी आपको पसंद है वो लगा लो एंड यू गुड टू गो अब मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट का इनटेक करो डेली क्योंकि हम जितना बाहर से केयर करते हैं ना उतनी केयर अंदर से भी करना ज़रूरी होता है वैसे इस सीजन में तो मैंगोज बहुत आते हैं बट मेरे पास अभी पपाया रखा हुआ था तो मैं उसे ही इन्जॉय करते हुए खा रही हूँ मुझे आजकल पपाया भी बड़ा पसंद आने लगा है पहले तो मुझे उसमें से स्मेल आती थी बट आजकल मैं फ्रूट्स को काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ अपनी स्किन को ध्यान में रखते हुए सो मेक श्योर करो कि आप डेली एक फ्रूट तो इनटेक करो ही करो अब इस सीज़न में हमें अंडर आर्म्स की स्पेशली केयर करना बहुत ज़रूरी है हमें टाइम टू टाइम अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव करने चाहिए एक अच्छा सा रोल ऑन भी यूज़ करना चाहिए अगर आप अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव नहीं करोगे तो आपको स्वेटिंग होगी एंड इस मानसून वेदर में इचीनेस भी हो सकती है एंड बॉडी ऑर्डर तो आएगा ही आएगा तो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखो कि अपने बॉडी के हेयर को रिमूव करो एंड अंडर आर्म्स में रोल ऑन भी यूज़ करो इसके साथ साथ आप ऐसे परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हो जिससे बॉडी ऑर्डर भी नहीं नहीं होगा मॉनसून में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एंड स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में आप परफ्यूम जरूर यूज़ करें जिससे आपको सारा दिन अच्छा फ्रेश फील होगा एंड आप स्मेल भी गुड करोगे मॉनसून में इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सीज़न में कोल्ड कफ फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सीज़न चेंज होता रहता है तो यहाँ पे मैं एक देसी काढ़ा तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने दो कप पानी डाला है तुलसी के पत्ते और अदरक आप चाहो तो उसमें ब्लैक पेपर दालचीनी या गुड़ भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब तक वो कप आधा ना हो जाए मतलब दस मिनट इसको बॉयल होने देंगे देन उसके बाद स्ट्रेन कर लेंगे एंड इसे सिप सिप करके वॉम ही पीना है एंड ये आपके कोल्ड कफ फीवर को भी दूर रखेगा एंड आपको फ्रेश फील कराएगा एंड आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा तो आप भी ऐसा देसी काढ़ा या देसी ड्रिंक जरूर कंज्यूम करें अब इस सीज़न में हेयर फॉल तो हम सबको होता ही है और हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हमारा स्कैल्प ई ईची हो जाता है ग्रीसी हो जाता है और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी एंड इफ़ेक्टिव रेमेडी लाई हूँ जिसे आप यूज़ करके आपके स्कैल्प के जो डैंड्रफ है आपके हेयर के जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाएंगे तो आपको एक लेमन लेना है हाफ़ लेमन उसे कट कर लेना है एंड हाफ़ ही लेमन लेना है एंड ऑयल में आपको स्क्वीज़ कर देना है अच्छे तरीके से एंड अच्छे से मिक्स करके आपको अपने स्कैल्प में इवनली स्प्रेड करना है मसाज करना है उसे एंड ये जो लेमन है ना वो स्केल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये एक दम से आपके पूरे स्केल्प ना डीप क्लीन कर देगा आपके स्केल्फ में जो ग्रीसीनेस है एंड इंचीनेस है उसे एकदम अच्छे से क्लीन कर देगा एंड आप चाहो तो इसे एक घंटे के बाद लगा के वॉश भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वरना इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं तो इसे ओवरनाइट रखती हूँ एंड उसके अगले डे मैं इसे वॉश करती हूँ और सच में मेरे पूरे डैंड्रव गायब हो जाते हैं आप चाहो तो इसे कर्ड में भी यूज़ कर सकते हो मैंने वैसे भी तरीका आपको पहले बताया था तो आप तो वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो बट ट्रस्ट में बहुत इफेक्टिव है ये मेरी नेक्स्ट एंड लास्ट टिप यही है कि अवॉइड वाइट कलर एंड लाइट कलर के क्लोथ्स एंड ऑल्सो ऐसा फैब्रिक जो आपकी बॉडी से स्टिक करता हो एंड ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसकी बजाय आप ऐसे डार्क कलर के क्लोथ्स वेयर कर सकते हो एंड जो जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं एंड अगर आप भीग जाते हो तो आप ऐसे फैब्रिक्स पहनोगे जो स्टिक करते हैं बॉडी से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होता है तो उसकी बजाय आप ऐसे डार्क कलर के क्लोथ्स पहनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा एंड जो जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं दैट्स इट यही थी मेरी मानसून से रिलेटेड टिप्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सबको शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ओके okay, बाय